Hello everyone, welcome to this new video. In this video you will see Brezza ZDI Plus, जो कि बेसिकली मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर टॉप मॉडल है. इसकी वीडियो पूरी देखने को मिलेगी, इसका प्राइसिंग भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, प्लस इसके ड्रोन शॉट्स और इसके सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, इसकी स्पेसिफिकेशंस भी देखने को मिलेंगी. सो ये ZDI Plus है. ZDI की भी वीडियो है सेम चैनल के अंदर, वाइट कलर के अंदर ही, जो कि इससे कुछ दिन पहले आई थी. वो भी अगर आप देखना चाहें तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं. सो इसके इंजन की बात करें तो इसके अंदर आपको 1248 सीसी का इंजन मिल रहा है, जो कि जनरेट करता है 89 bhp. ये डीजल मॉडल है 4000 rpm पे. एंड अगर इसके टॉर्क की बात करें तो 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको इसके अंदर मिलता है, तो टॉर्क अच्छा है. तो ये एक फॉरवर्ड व्हील ड्राइव है. एंड इसके अंदर आपको जो कि एवरेज जो कि कंपनी क्लेम करती है वो है 25 kmpl की. बेसिकली इसके अंदर 48 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, जो कि काफ़ी बढ़िया है अगर आपको लॉन्ग ड्राइव्स के ऊपर जाना है, तो लेह लद्दाख वगैरह कहीं पे जाना है तो 48 लीटर्स का फ्यूल टैंक काफ़ी बढ़िया है. अब हम इसके लुक्स से स्टार्ट करते हैं. फ्रंट में आपको जो इसके अंदर मिल रहा है ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको पूरी एक क्रोम फिनिश मिल. नीचे वाला ग्रिल इसका वही बेसिक हनीकॉम डिजाइन वाला ग्रिल है. अगर आप इसकी हेडलाइट्स की बात करें तो हेडलाइट्स के अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलेंगी नॉर्मल आपकी, और हाई बीम के लिए आपकी नॉर्मल हैलोजन हेडलाइट्स हैं. इसके अंदर एक प्लस पॉइंट ये है, ये टॉप मॉडल है, तो आपको यहाँ पे जो भी है कॉर्नर्स पे दोनों हेडलाइट्स में ऊपर से यहाँ तक एक DRL आपको मिलेगा. और उसके बाद में अगर आप नीचे बात करें तो यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स दे रखे हैं बम्पर पे, फ्रंट बम्पर पे, और नीचे की तरफ आपकी फॉग लैंप्स हैं. सो टॉप मॉडल के अंदर फ्रंट से अगर आप देखें तो ये आपको बेसिकली सारे फीचर्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं. लेकिन पर जो मैं बात कर रहा था कस्टमाइजेशन की, मारुति सुजुकी आपको प्रोवाइड करती है कस्टमाइजेशन के लिए, और जो कि आप कार लेते समय ही ले सकते हैं. सो उसके अंदर एक अच्छी बात है कि आप अगर आप स्टार्टिंग के अंदर ही आप शोरूम से आपको सारे ऑप्शंस दिखा दिए जाते हैं कि आप क्या क्या कस्टमाइज करा सकते हैं. सो अगर आप इस कार के रियर की बात करें तो बेसिकली एक टॉप मॉडल है, तो की के अंदर आपको यहाँ पे बूट का बटन कोई नहीं मिल रहा है. सो आपको मैन्युअली कार अनलॉक करने के बाद में यहाँ पे बीच में एक बूट का ऑप्शन है, यहाँ पे बटन है जिसको कि आप प्रेस करेंगे तो आप अपना जो कि बूट है वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं. यहाँ पे आपको आपकी पार्सल ट्रे दिखाई देखने को मिलती है, ये पार्सल ट्रे है आपकी, और नीचे आप बूट स्पेस देख सकते हो. बूट स्पेस अच्छा है इसके अंदर. इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो XUV300 जो कि है, XUV300 में तो बिल्कुल भी बूट स्पेस बहुत ही कम है. सो उसके हिसाब से अगर आप बात करें तो अच्छा बूट स्पेस है. क्रेटा के अंदर भी अच्छा बूट स्पेस है, लेकिन क्रेटा थोड़ी सी प्राइसी भी हो जाती है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए. और ये जैसे कि मारुति के मैं एलिमेंट्स की बात कर रहा था, स्पेस का ध्यान रखते हैं. एंड ये पार्सल ट्रे भी स्ट्रांग है, आपकी मर्जी है, लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना चाहो तो हटा लो. और यहाँ से आप इसको पकड़ के नीचे की तरफ करके बंद कर सकते हैं एक बारी में, आराम से जो कि है ये बूट बंद हो जाता है. ब्रेजा जब से आई है तब से ये सेम लाइट्स चलने लग रही हैं, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ है. सो ये नॉर्मल टेल लाइट्स हैं इसकी. यहाँ पे पूरा आपको क्रोम से ब्रेजा लिखा हुआ मिल रहा है, विटारा ब्रेजा. एंड आपको रेयर वाइपर भी मिल रहा है इसके साथ में. यहाँ पे आपके कैमरा की प्लेसमेंट है, जो कि बेसिकली मारुति सुजुकी कार्स के अंदर जो कि आपकी नंबर प्लेट के ऊपर लेफ्ट साइड में होती है मोस्ट प्रॉब्ली. सो ये आपकी कैमरा की प्लेसमेंट है. यहाँ पे आपको चार पीछे पार्किंग सेंसर्स दिखाई देंगे इसके बम्पर पे, और ये यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने क्लैडिंग देने की कोशिश करी गई है. और ब्रेजा के ना बहुत ही अच्छे अच्छे मॉडिफिकेशंस मिलते हैं जो कि आप मारुति सुजुकी से खुद करा सकते हैं, जिसके अंदर साइड क्लैडिंग, फ्रंट और रियर की क्लैडिंग भी आप उनसे करा सकते हैं. बहुत ही अच्छी किट मिलती है, वो आप लगवा के देखिए कि स्टेपनी है. और सबसे बढ़िया बात है आपको सेम साइज का स्टेपनी का टायर आपको इसके अंदर मिल रहा है, कोई 215/60 R16 आपको टायर इसके अंदर मिल रहा है. इसकी साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड प्रोफाइल में जब आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा इन अलॉय व्हील्स पे, जो कि आपको कंपनी से ही अपनी ब्लैक के अंदर आपको मिल रहे हैं, कंपनी से ही आपको ये ऐसा कलर मिल रहा है अलॉयज का. एंड टायर्स की बात करें तो आपको 215/60 R16 टायर्स इसके अंदर आपको मिलेंगे.
ठीक है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अगर आपको अपग्रेड कराना है तो बाहर से 17 इंच के भी लगवा सकते हो। बाकी सही दे रहे हैं यार, अच्छे हैं, मतलब लुक्स में ब्लैक अच्छी शाइनिंग है, सो अच्छे लग रहे हैं। एंड इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये एक अच्छी USP है इस गाड़ी की कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm की है, तो इसकी वजह से ये जो भी है काफ़ी रास्तों पर चल सकती है काफ़ी आराम से। ठीक है, इसके अंदर टॉर्क अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, इसीलिए इसका जो कि ड्राइव है अगर थोड़ा रास्ता ख़राब भी हो तो भी आसान हो जाती है। एंड प्लस अगर आपको लेह लद्दाख जैसे रास्तों पे जाना है जहाँ पे कि आपको अगर रास्तों में दिक्कत आती हो तो वहाँ पे भी ये बड़े आराम से चल जाती है, ये एक अच्छी बात है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है इसकी। वॉल्यूम भी इवन आप टच से ही ऊपर नीचे करते हैं। एंड वॉल्यूम के हिसाब से जो गाड़ी के अंदर स्पीकर्स आ रहे हैं वो ठीक क्वालिटी के हैं, मतलब सेटिस्फाइड आप रहेंगे थोड़ा सा, बट और अच्छे लगवाने हैं तो जरूर बाहर से आप स्पीकर्स चेंज करवा लें। बाकी इसका टच रिस्पॉन्स अच्छा है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको लैग वगैरह दिखाई देगा। सो स्टीरियो इसका एक नंबर है, मजे आएंगे। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स आपके दिखाई देंगे। एंड स्टीरियो वाले सेक्शन यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपके दिखाई देंगे। यहाँ से आप अपने जो कि गाड़ी का एयर कंडीशनर है वो आप ऑपरेट कर सकते हैं। एंड उसके नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 12 वॉट का आउटपुट जिसके अंदर आप अपना चार्जर या कुछ भी लगा सकते हैं। साथ में एक USB पॉइंट है और एक ऑक्स का पॉइंट भी है। और उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे आप अपना बेसिकली वॉलेट और की, क्योंकि ये कीलेस स्टार्ट स्टॉप है तो आप अपनी की भी यहाँ पे आराम से रख सकते हैं, तो थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। उसके नीचे यहाँ पे आपको दिखाई देगा इस गाड़ी का मेन 5-speed मैनुअल गेयरबॉक्स। इसके अंदर अब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आता है तो इस बात का ध्यान रखना ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके नीचे आप जाएंगे तो लेफ्ट साइड में आपको आपका हैंड ब्रेक मिलेगा, राइट साइड में एक नॉर्मल ग्लास होल्डर है और उसके नीचे एक छोटा सा ग्लास होल्डर है, वो पता नहीं किस लिए है लेकिन पर ये नॉर्मल वाला ठीक है। एंड ये आपका आर्मरेस्ट जो कि है काफी अच्छा वाइड और सही साइज का आर्मरेस्ट है। लेदर की क्वालिटी ये लोग थोड़ी और अच्छी कर सकते थे, करनी चाहिए थी यार, अब टॉप मॉडल में तो कम से कम दो अच्छी क्वालिटी, बाकी ठीक है। एंड इसके बाद इस यूटिलिटी बॉक्स की अगर आप स्पेस की बात करेंगे तो ये काफी अच्छा खासा मतलब डीप है, सो इसके अंदर आप अपना सामान रख सकते हैं, स्पेस अच्छी दे रखी है यूटिलिटी बॉक्स में। स्पेस के मामले में मारुति बहुत अच्छा काम करती है, वो इस वजह से अगर आप डैशबोर्ड पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दो ग्लोव बॉक्स मिलेंगे, एक तो ये नॉर्मल आपको ग्लोव बॉक्स यहाँ पे मिलेगा ही जिसके अंदर आप अपना नॉर्मल सामान रख सकते हैं। एंड उसके बाद ऊपर वाले सेक्शन में भी आपको यहाँ पे एक ग्लोव बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर भी आप एक कुछ साइज का सामान तो रखा जा सकता है। यहाँ पे बेसिकली ये यूज होगा, ऐसी बात नहीं है यूज नहीं होगा, यूज होगा, सो फालतू में नहीं बनाया है, अच्छी तरीके से बनाया है। और एक और अच्छी बात है, वैसे आप देखेंगे तो ये जो ऊपर वाली प्लास्टिक जो की है मारुति की गाड़ियों की ऐसी ही रहती है, सो बेसिकली जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो इतनी कुछ खास नहीं है लेकिन ठीक है। बट इन्होंने कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे दिए हैं जैसे ऊपर वाले प्लास्टिक पे मेश का डिजाइन दिया है इन्होंने अलग से, ठीक है, नीचे अलग डिजाइन होता है इनका, नॉर्मल प्लास्टिक रहता है। बीच में ये पियानो ग्लास फिनिश दी है इस एंटरटेनमेंट सिस्टम को, प्लस जो साइड वाले जो एसी वेंट्स हैं उन पे भी इन्होंने ये दी है, तो थोड़ा सा एक थोड़ा मतलब डिजाइन चेंज करने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पे सिल्वर वुड का इन्होंने डिजाइन देने की कोशिश करी गई है। आप जैसे जब ये शेड्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड वाले पे मिरर एंड लाइट दोनों मिलेगा, एंड ड्राइवर साइड पे सिर्फ टिकट होल्डर है, एंड बीच में आपको यहाँ पे सनग्लास होल्डर दिखाई देगा, एंड ये दो लाइट्स हैं यहाँ पे। गाड़ी के अंदर बैठते के साथ ही ऑब्वियसली कीलेस स्टार्ट स्टॉप है,
तो आपका जो कि इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है वो राइट साइड में स्टेयरिंग के नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी को ही प्रेस करके आप गाड़ी का मतलब इसी को ही प्रेस करके आप कार ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। उसके राइट साइड में आप देखेंगे तो ये आपके ORVM के कंट्रोल्स हैं। राइट लेफ्ट सेलेक्ट करके आप अपने ORVM को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और आपके ORVMs आपको फोल्ड करने हैं या अनफोल्ड करने हैं वो भी यहाँ पे आपको बटन मिल रहा है। आप उस हिसाब से अपने ORVMs ऑपरेट कर सकते हैं यहाँ से। प्लस ये जो कि है यहाँ पे ये आपको ऑटो आपके जो हेडलाइट का लेवल एडजस्टर है उस हिसाब से आप अपनी हेडलाइट की जो है लेवल्स वो एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर या नीचे। यहाँ पे नीचे आपको थोड़ा सा एक स्टोरेज स्पेस मिल रहा है जिसके अंदर आप कुछ रख सकते हैं। जैसे कहा ना मारुति को काम ही है, मारुति की मतलब ये एक खासियत है कि वो स्टोरेज स्पेस जो की है जरूर देती है अपनी गाड़ी के अंदर, ध्यान से देती है। एंड अगर आप ड्राइवर साइड डोर की बात करेंगे तो बेसिकली इसके पूरी ब्रेजा के सारे दरवाजे जो कि हैं अगर आप प्लास्टिक की बात करेंगे तो वही बेसिक क्वालिटी प्लास्टिक है। कहीं पे भी लेदर इन्होंने यूज़ नहीं कराया, लेकिन इस प्राइस पर लेदर थोड़ा सा यूज़ कर लेते तो और अच्छा लगता। लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी ख़राब भी नहीं है, ठीक है, सो चलती है इतनी। यहाँ पे आपको चार आपके विंडो कंट्रोल्स मिलेंगे जिसके अंदर ड्राइवर साइड का जो कि है वो ऑटो अप डाउन है वन क्लिक पे। एंड यहाँ पे आपको आपकी कार के अनलॉक और लॉक के बटन्स मिलेंगे, प्लस विंडो के लॉक और अनलॉक के बटन्स आपको मिलेंगे। चारों दरवाजों के अंदर यहाँ पे बॉटल होल्डर जो कि मिल रहा है आपको, 1 लीटर की बॉटल होल्ड कर सकता है, अच्छी साइज का बॉटल होल्डर है। साथ में चारों दरवाजों में आपको बॉटल के साथ में कुछ सामान रखने के लिए जगह भी मिल रही है जो कि एक अच्छी बात है। नीचे की तरफ स्पीकर है चारों दरवाजों के अंदर, ऑल 4 डोर्स के अंदर नीचे की तरफ स्पीकर हैं। फ्रंट वाले डोर्स के अंदर जो कि ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको ट्विटर मिलेगा, यहाँ पे ट्विटर प्लेस कर रखते हैं इन्होंने। सो बेसिकली इट इज 4 स्पीकर्स एंड 2 ब्रीदर्स। अगर हम बात करें ड्राइवर साइड की सीट की सो इसके अंदर आपको मैनुअल हाइट एडजस्टर मिलेगा जिससे कि आप मैनुअली अपनी कार जो सीट है ड्राइवर साइड सीट है उसको आप उसकी हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। स्टेयरिंग की अगर हम बात करें तो स्टेयरिंग आप देख सकते हैं, ये इसका बेसिकली आपको स्टेयरिंग देखने को मिलेगा जो कि ज़्यादातर सारी मारुति की कार्स के अंदर देखने को मिलता है। ये एक SUV है एंड ये टॉप मॉडल है तो इसलिए इसके अंदर आपको ये राइट साइड में जो कि है क्रूज कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि आपकी स्टेयरिंग के राइट साइड में है। यहाँ से आप अपनी कार ऑपरेट यहाँ से आप क्रूज कंट्रोल ऑपरेट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपको आपके एंटरटेनमेंट सिस्टम के पूरे बटन्स मिलेंगे, वॉल्यूम अप डाउन एंड ट्रैक चेंज वो सब। और नीचे की तरफ स्टेयरिंग के बीच में यहाँ पे नीचे की तरफ आपको ये तीनों बटन्स मिलेंगे जो कि बेसिकली सारे स्टेयरिंग सारी मारुति सुजुकी कार्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। वॉइस रिकग्निशन का है, फिर कॉल एक्सेप्ट करने का है और कॉल डिक्लाइन करने का है। बेसिकली ये स्टेयरिंग व्हील प्रॉपर सेम है जैसा आपको मारुति की सारी कार्स के अंदर मिलता है, सिर्फ ये जो साइड है क्रूज सेक्शन की क्रूज कंट्रोल की ये सिर्फ इसके अंदर एड ऑन है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जब बात करें तो ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इग्निशन ऑन करते ही दिखाई दे जाएगा ऐसे, ठीक है। राइट साइड में आपका स्पीडोमीटर है, लेफ्ट साइड में आपका RPM मीटर है और बीच वाले डिस्प्ले पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन गाड़ी की दिखाई देगी। लेफ्ट साइड में आपको फ्यूल की इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी एंड ऊपर की तरफ जो है वो है आपका टेम्परेचर, बीच में है आपकी गाड़ी कितनी एवरेज दे रही है। सो फिलहाल अभी ये नई गाड़ी है, थोड़ा टाइम ही हुआ है चलाए हुए और ज़्यादा चलती नहीं है इस वजह से अभी इसकी एवरेज ये है। एंड उसके नीचे टोटल किलोमीटर्स दिखाई देगा और उसके नीचे टाइम। सो जो कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन और बढ़िया सा है, ईजी सा है, सबको आराम से ईजिली समझ में आएगा। सो ब्रेजा के अंदर एक आपको यहाँ पे सीक्रेट स्टोरेज बॉक्स भी दिखाई देगा जो कि को पैसेंजर की साइड में फ्रंट में यहाँ पे आपको एक सीक्रेट स्टोरेज बॉक्स दिखाई देगा जिसके अंदर मैक्स आप 1 kg का सामान रख सकते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा है, मतलब पेपर्स वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कहीं पे रख के जाना चाहें, फ़ोन रख के जाना चाहें तो वो रख सकते हैं। ये यहाँ से क्लोज हो जाता है और यहाँ से ऐसे पुल करके ये जो कि आपको लेदर सीट कवर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये बकेट फिटिंग वाले नहीं है लेदर सीट कवर्स, लेकिन पर ये आपको ZDI प्लस के अंदर ऐसे लेदर सीट कवर्स ही देखने को मिलेंगे। सो मारुति सुजुकी की तरफ से ये वाले लेदर सीट कवर्स आपको देखने को मिलेंगे। लेग स्पेस की अगर हम बात करें तो हाँ ब्रेजा के अंदर थोड़ी सी लेग स्पेस के अंदर आपको कमी देखने को मिलेगी। ये आगे वाली सीट जो कि है मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी है थोड़ी पीछे करके, वैसे और आगे हो सकती है आराम से, लेकिन पर फुल कंफर्ट दे रखा है आगे वाले को तो उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो बेसिकली ये एक मतलब अगर आप ट्रिप वगैरह पे जाएंगे तो कंफर्ट में ही जाएंगे ना, उसके अंदर आपको ये ऐसे देखने को मिलेगी। हाँ थोड़ी सी आगे पीछे चल सकते हैं, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है। ये बकेट सीट कवर्स होते तो आपको और अच्छे से पता चल जाता, लेकिन पर ऐसा नहीं है कि अनकम्फर्टेबल है, ठीक है। सो आप ट्रिप्स पर जा सकते हैं, 4 लोग इसके अंदर बैठ के आराम से जा सकते हैं, 5 लोग ज़्यादा लंबी ट्रिप पर नहीं जा सकते, लेकिन 4 लोग लंबी ट्रिप पर जा सकते हैं इसके अंदर आराम से। और पीछे वाले डोर के अंदर आपको यहाँ पे एक बॉटल होल्डर मिल जाता है और कुछ नहीं है इस डोर के अंदर फिलहाल पीछे की तरफ,
और जो कि एक अच्छी चीज है, चार लोग बैठ के जा सकते हैं आप। पीछे आपको एक आर्मरेस्ट मिलेगा, काफी चौड़ा और बढ़िया आर्मरेस्ट है ये, जिसके अंदर दो कप होल्डर्स हैं, और ये आप चाहे तो फोल्ड कर सकते हैं, पांचवा बंदा बैठ जाएगा। अदरवाइज ये आर्मरेस्ट बहुत ही अच्छा दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, और कप होल्डर्स का साइज भी इसके अंदर सही है। सो ये ठीक है चार लोगों के लिए और लंबी ट्रिप के लिए, बहुत ही बढ़िया गाड़ी लग रही है ये, पावरफुल है। देखते हैं लेह लद्दाख ले जाने में मजा आएगा इसको। तो अगर आप फ्रेंड्स हो और बाहर घूमने जाना चाहते हो तो लेह लद्दाख के लिए अच्छी कार है, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है इसका। सो इस बजट के अंदर बहुत ही बढ़िया कार आपको देखेंगे। सो अब इसकी ड्राइव क्वालिटी की बात करते हैं। वैसे तो मारुति सुजुकी कार है, ड्राइव के अंदर कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। सो जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे प्रेस करेंगे और क्लच दबाएंगे, मतलब क्लच दबा के स्टार्ट बटन पे प्रेस करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। 90 bhp कंपनी कहती है कि 90 bhp की पावर है, लेकिन पर ये ब्रेजा है। सो गाड़ी में बैठते के साथ ही सबसे पहले तो सीट बेल्ट पहन लें अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो, और अगर नहीं कर रहे हैं तो भी सीट बेल्ट पहन लें, क्योंकि रूल है पहनना, ठीक है, और आपकी सेफ्टी के लिए ही है रूल। सो जैसे ही आप बैठेंगे तो 90 bhp कंपनी कहती है 90 bhp की पावर है, लेकिन पर ब्रेजा के अंदर सबसे बढ़िया बात है कि आपको फील नहीं होगा कि आपको कम पावर मिल रही है कार से, और अच्छी कमांडिंग पोजीशन के अंदर, मतलब आप ऊपर की तरफ बैठे हुए। फिलहाल मैंने सीट नीचे कर रखी है, लेकिन पर अगर मैं इसको और हाइट पर करना चाहूं तो कर सकता हूं, फिर भी नीचे करने के बाद भी मेरे को एक कमांडिंग पोजीशन दिखाई दे रही है। ग्लास एरिया काफी बढ़िया है, जिसकी वजह से बाहर का जो कि व्यू है काफी क्लियर आ रहा है यहाँ पे, और आपको आपकी कार का बोनेट दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है कि आप अपनी गाड़ी को इजिली मैन्यूवर कर सकते हैं ट्रैफिक के अंदर भी। सो ब्रेजा की ड्राइव बहुत ही बढ़िया है। स्पेस जो की है वो ठीक है, आपको जैसे कि देखने को मिली स्पेस ठीक ही है गाड़ी के अंदर, एंड ड्राइव अच्छी है, एवरेज अच्छी है, इस माइलेज अच्छी है, तो इसका मतलब है कि आप इस कार को कहीं भी लेके जाएंगे तो आपको मजे ही आएंगे, और ज्यादा मतलब आपको प्राइसी भी नहीं पड़ेगी, फ्यूल एफिशिएंट है इस वजह से आपको ज्यादा कॉस्ट भी नहीं पड़ेगी। सो कार हिली एरियाज में जाने के कैपेबल है, ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm की है, तो इसका मतलब है कि आप इसको ज्यादातर एरियाज के अंदर आराम से इजिली लेके जा सकते हैं। हाँ ये है 4x4 कैपेबिलिटीज नहीं है तो उसके अंदर ट्राई मत करना, लेकिन पर नॉर्मल कार के हिसाब से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, अच्छे से मजे आएंगे आपको। ये स्टार्ट होती है अराउंड 7.28 lakh से एक शोरूम दिल्ली, एंड ये जो कि ऑन रोड दिल्ली के अंदर पड़ी है, डीजल के अंदर ZDI प्लस ऑन रोड दिल्ली के अंदर ये पड़ी, मेरे मतलब ये गाड़ी पड़ी है अराउंड 10 lakh 80,000 rupees की थी। उस टाइम पे ऑफर्स चल रहे थे मारुति सुजुकी की तरफ से जब ये गाड़ी ली गई थी, तो ये ऑन रोड 10 lakh 80,000 rupees की पड़ी थी, एंड उसके बाद में फिलहाल अगर आप इसकी प्राइसिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 11 lakh 30,000 के करीब इसकी एक शो इसकी ऑन रोड दिल्ली के अंदर प्राइस है। आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस भी आनी है, ए क्लास की आएगी, रेंज रोवर इवोक की आएगी, मर्सिडीज CLA की आएगी, फॉर्चुनर की आएगी, जीप कंपस की आएगी, हैरियर की आएगी, बहुत ही सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप सजेशन कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए, और कोई सजेशंस भी हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए, हम उसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर इसकी ZDI की वीडियो आपको देखनी है तो वो भी चैनल के अंदर है, जाके आप देख लीजिए। टेक केयर, ड्राइव सेफ, ओबे ट्रैफिक रूल्स, बाय बाय।